हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात को हम अगरतला में रुके थे और बड़ी मुश्किल से होटल मिला, रूम मिला, जो भी मिला, पर काम हो गया अपना। और आज हम जाएंगे अगरतला को घूमेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और कल हम अगरतला से निकलेंगे और त्रिपुरा की तीन चार बहुत अच्छी लोकेशन है उनको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो आज का तो यही प्लान है। तो हमारी बाइक रेडी हो चुकी है। अब हम जस्ट अभी निकले रूम से, अपने होटल से, और टाइम तो काफ़ी हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। और आज काफ़ी देर हमने रेस्ट किया, कारण क्या था कि ज़्यादा कुछ है नहीं अगरतला में, तो आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल से फिर लंबी राइड स्टार्ट होने वाली है। अब हम आ गए उज्जैन का पैलेस, और यहाँ पे रात का तो बड़ा शानदार व्यू होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। उज्जैन का पैलेस तो बंद है और मैंने दो तीन जगह और स्किप कर दिए जो रास्ते में थी, और अब चलते सीधा हेरिटेज पार्क, क्योंकि ये तो सब शाम को खुलेगा, तो वेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। शायद यही हेरिटेज पार्क है, आगे से एंट्री है। एक आई लव त्रिपुरा हो गया और ये हेरिटेज पार्क है। बस अब चलते अंदर। हाँ, अब बिना बाइक की फोटो खींचते। हम हैं यहाँ पे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और कल चोबी मारा है आपका इधर, और फिर इधर से वापस हम ऐसे जाएंगे। तो ये है कल का प्लान हमारा, और आज का प्लान है यही जो हम कर रहे हैं। ये जो पार्क बना है, ये पूरा त्रिपुरा के मैप का बना है, तो उसी को डिजाइन करके बनाया हुआ है कि कैसा त्रिपुरा है, कहाँ पे क्या है। और ये देखिए, जहाँ जहाँ पे रेलवे ट्रैक हैं, जहाँ जहाँ पे आपके ऊपर पुल बने हैं, ब्रिज बने हैं, वो सब इसमें दिखाया हुआ है। तो यानी हम अभी आधे घंटे में पूरा त्रिपुरा घूम जाएंगे। धूप बहुत है भाई। अगरतला में एंटर कर चुके हैं यहाँ से। ओ, ये हो रहा उज्जैन पैलेस, जो अभी हमारा 3 बजे खुलेगा। और वहाँ पे उज्जैन के कपल, पर रियल में तो ना यहाँ पे थोड़ा पानी मैला हो चुका है, इसमें यहाँ पे साफ क्यों करा हुआ है, ये सोचने वाली बात है। अरे नहीं नहीं, वो पानी डाला है। डिस्ट्रिक्ट में एंटर करें इस पुल से, है ना। और अच्छा, ये वो है नीर महल। कल यहाँ पे चल, कल यहाँ पे जाना हमें नीर महल। हमें कल इसमें भी जाना, हमें त्रिपुरा, हाँ इसमें भी जाना है कल हमें त्रिपुरा। ये बहुत प्यारा टेम्पल लग रहा है मेरे को, मैंने फोटो में देखा। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल, लेफ्ट राइट कवर करते हो? हाँ, फिर लेफ्ट राइट कवर करते हो। अगर आपको त्रिपुरा घूमना है तो हेरिटेज पार्क आओ, आपको सारा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जाना है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये त्रिपुरा का डिजाइन बनाया है पूरा, और आपको टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए मैं, और भी बाकी कुछ, और बाकी पार्क में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो 20 रुपीज़ मेरे वीडियो का लग गया। अब हम जा रहे चतुर्दश टेम्पल, और यहाँ से है अराउंड 11 किलोमीटर। तो मैं खुश हो गया, चलो यार थोड़ी बहुत बाइक राइड हो जाएगी।
पता ही नहीं चलता कब आप अगरतला में बड़े हो कब निकल गए हो। सब एक जैसे रोड है और अगरतला बिल्कुल छोटा सा है। हमें 14 देवता टेंपल में और यहाँ पे 14 भगवान की शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए वगैरह वगैरह की यहाँ पे मूर्तियाँ भी विराजमान है, उनका टेंपल है तो इसलिए इसे 14 देवता टेंपल कहते हैं। तो बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं और जब फेस्टिवल होता है तभी शायद यहाँ पे भीड़ होती है, बाकी तो ऐसे चलता रहता है जैसे अभी चल रहा है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ओल्ड लगानी है, बस इसका थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है और बाकी सेम है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं तो हम सोच रहे हैं कि चलो वापस चलते हैं आगे। एक बार हवेली म्यूजियम जाके देखते हैं, हमें यहाँ पे हवेली म्यूजियम दिखा है। ये पीछे हवेली म्यूजियम है, देखते क्या है यहाँ पे। ये सारा इलाका ओल्ड अगरतला में आता है, पहले यहाँ पे आसपास सारे सरकारी भवन थे बट अब चेंज हो गया, अब उधर शिफ्ट हो गया। ये सारा ओल्ड अगरतला का पार्ट है, ये सारे सरकारी भवन हैं तो इनको अब चेंज कर दिया गया है। ये जैसे आपका कोर्ट वगैरह है तो वो सारे उधर शिफ्ट हो गए हैं और इधर ये बस ओल्ड हवेली म्यूजियम बना दिए और ये भी बंद है, तो पता नहीं क्यों बंद है। तो अब मैं ओल्ड अगरतला में, ये छोटा सा है अगरतला, बहुत छोटा सा, मैंने समझा कि ओल्ड अगरतला है तो वो थोड़ा सा पुराने टाइप के घर होंगे सब कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चार पांच सरकारी इमारतें हैं वही है, एक जैसी ये है मेरे पीछे और एक वो है और एक वो है, तो बस यही है सब कुछ ओल्ड अगरतला में। वो पूरा खुला 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 है, ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारी सरकारी इमारतें थी बट अब चेंज हो गया है। इस टेंपल में तो कुछ था नहीं खास, बाहर से ही व्यू शानदार है बड़ा पर अंदर कुछ नहीं है। ऐसी हमने सोचा फोटो में देख के कि अंदर से बहुत अच्छा डिजाइन का होगा, आर्किटेक्ट अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं, वो है कस्बा काली टेंपल और यहाँ से 33 किलोमीटर है और बांग्लादेश बॉर्डर पे ही है तो वहाँ से बांग्लादेश का व्यू दिखता है, कुछ ऐसा किसी ने कहा है, हमने नहीं कहा है तो वो वहीं पे जाके पता चलेगा कैसा है। और अभी हमारे पास टाइम बहुत है तो सोचा क्यों ना एक राइड ही कर लें, 66 किलोमीटर हो जाएगा। मुझे कितनी जोर की नींद लगी है ये पूछो मत, खतरनाक नींद आ रही है। और ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा है इसीलिए आराम आराम से चल रहे हैं, नहीं तो भाई साहब ये सफ़र काटना बड़ा मुश्किल हो जाए मेरे लिए। तो और जबकि रात को अच्छी खासी नींद पूरी हुई है। अभी हम इधर से जा रहे थे तो मैं सोचा एक जंगल में से बाइक राइड लेके आते हैं ये वाला, और इस तरह के जंगल में से बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है। ये शायद रबड़ के पेड़ है और ये कट लगा दिए और इसमें से रबड़ इकट्ठा होता रहेगा, अभी शायद पूरा हो नहीं रहा, ये शायद रबड़ के पेड़ है। देखते हैं
ओए जगह तो ये अच्छी है, रेस्ट करने में बड़ा परफेक्ट जगह है। यहाँ पे खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे और ये फिर अंदर जंगल में पहुँच जाएंगे। ओहो मजेदार केला होता ना इस जंगलों के बीच में से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाता और मज़ा आता। पर आप जो ग्रुप में होते हो या किसी और के साथ होते हो तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आप कुछ सीखते हो। क्या मौसम हो गया भाई, क्या मौसम हो गया, बादल छा गए, मजा आ गया भाई। मौसम बादल आ गए भाई, बादल मजा आ गया, और थोड़ा सा जंगल राइड लिया और मेरी सारी थकावट गुम हो गई है। मंदिर आ ही गया है, ये है मंदिर और ये बांग्लादेश बॉर्डर है। ये बांग्लादेश, ये इंडिया, ये टेंपल। गूगल मैप देख रहे हैं, ये जो है पॉन्ड, ये इंडिया में आता है, इसी तीन तरफ बांग्लादेश है। ये देखिए तरह की रौनक है, बर्फ का गोला है यहाँ पे, मजा ही आ गया। काफी दिनों से बर्फ का गोला नहीं खाया था। अरे माँ कस्बा काली मंदिर में, और ये 51 शक्तिपीठ में एक मंदिर ये भी है, तो यहाँ का। और ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बाकी इंडिया में तो है ही, तो यहाँ की यही स्टोरी है। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है, आप चारों तरफ देख सकते हो, दुकानें, पूरी मार्केट इसी मंदिर के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे चाहकर भी ड्रोन के शॉट नहीं ले सकता मैं, क्योंकि बॉर्डर पे है ये पूरा बॉर्डर है। देखो ये फेंसिंग लगी है, ये बॉर्डर का है। और बांग्लादेश की लिबरेशन, अगरतला उज्जैन का पैलेस घूमना है मेनली, और अगर म्यूजियम खुला होगा तो म्यूजियम, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो म्यूजियम का कोई भरोसा नहीं है। पैलेस तो खुला होगा, पैलेस बहुत खूबसूरत है रात में, तो स्पेशली जब उसके चारों तरफ लाइटिंग जल जाती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और अब तो बादल भी आ गए हैं तो रास्ता भी बड़ा प्यारा हो गया, आते वक्त तो बड़ी गर्मी थी।
आई लव अगरतला। भाई कुछ तो लिख दो यार, इंग्लिश में या हिंदी में, कुछ समझ ही नहीं आएगा किसी का स्टैचू है ये। हम जा रहे हैं स्टेट म्यूजियम ऑफ त्रिपुरा इन अगरतला। और ये पूरा पैलेस था, पहले राज दरबार था, अब इसे म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो बट इसे चारों तरफ आप देखेंगे पौंड है, इधर भी पौंड है और इधर भी तालाब है और बीच में ही पूरा पैलेस है। और यहाँ पे कैमरा ले जाने के 400 रुपये टिकट था, इसलिए मैंने सोचा मोबाइल से बनाता हूँ। ये पहले राजमहल था, अब इसे स्टेट म्यूजियम में बदल दिया गया है। और ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर आप अगरतला में आते हो तो ये मस्ट विजिट पैलेस है। और ये अभी इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, ना जाने क्यों, और ये पूरा पानी से भरा रहता है। और अभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कुछ भी हुआ, और ये पूरा इलाका खाली खाली है, नहीं तो यहाँ पर पानी भरा रहता है और बहुत सारे फाउंटेन होते हैं। और ये देखो फ्रंट का व्यू क्या शानदार है। ट्री का नीचे से जाना है और एग्जिट ऊपर से है, तो अभी एंट्री करते हैं, शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए फोटोग्राफी कर नहीं पाए। पर आप अंदर जाते हो तो पूरा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट और उसके बारे में सारे कलर्स आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे कैसे 1.5 घंटे कट गए कुछ पता नहीं चला। केवल अपनी कल्चर और आपके त्रिपुरा की कल्चर ही नहीं, अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 सिस्टर हैं, इवन इंक्लूडिंग सिक्किम, पूरा डिटेल में बताया था। उनके ड्रेसिस के बारे में, उनके सब हर चीज़ के बारे में पूरे डिटेल से था।